तो यहाँ पे देखना शुरू करते हैं हम डिम्पल गुड इवनिंग दुर्गा तो यहाँ पे बेसिकली हम देखना शुरू कर रहे हैं क्या आपका राजस्थान ज्योग्राफी देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी में अभी तक हमने बेसिक देखा था अब थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ चलना शुरू करते हैं यहाँ पे है ना और राजस्थान का भौतिक विभाजन जो है ना इसको देखते हैं कि भौतिक विभाजन या फिजिकल डिविजन क्या है कल इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात करी थी वंदना गुड इवनिंग अब आगे देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये क्लासेस आप देख रहे हैं ये कहाँ देख रहे हैं अन अकेडमी आर पर देख रहे हैं और मैं थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तो माई सेल्फ तुषार तो त्यागी और अन अकेडमी पर मैं एक प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ पिछले दो साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ लगभग आठ साल का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरी क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो मैंने नेट करा हुआ है ज्योग्राफी के अंदर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसके अलावा कुछ आपके डिम्ड यूनिवर्सिटी जो हैं उनके अंदर एज ए एग्जामिनर मैं अपॉइंट होता हूँ उनके पेपर बनाना प्रैक्टिकल लेना ये मेरा वर्क रहता है इस वर्क के अलावा ओके दूसरा सर इससे पहले मैंने डेहली के अंदर पढ़ाया हुआ है दिल्ली के अंदर पढ़ाया हुआ है और अब केवल और केवल मैं अन अकेडमी पे ही पढ़ा रहा हूँ अब कुछ क्वेश्चन आते हैं सर आप रहने वाले कहाँ के हो तो मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ ठीक तो मैं इस वक्त जयपुर से ही ये क्लास ले रहा हूँ गुड इवनिंग खेताराम जी नेक्स्ट आगे देखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई देता है सर ये जो कोर्स चल रहा है तो यान पर आप ये समझ लीजिए कि हम स्पेशल क्लास में सभी एजुकेटर अपने फ्री कोर्सेस दे रहे हैं ठीक है इससे पहले आपने कंप्लीट कोई फ्री कोर्स किसी भी एजुकेटर का देखा नहीं होगा तो यहाँ पे मैं कंप्लीट फ्री मतलब इस मंथ ऑफ दिसंबर जो आपका पटवारी का पेपर है एसीएफ का पेपर है उसके लिए काफी यूजफुल रहेगा ये कोर्स और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा जादस कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं तो ये कोर्स आप देख सकते हैं यूट्यूब पे अगर आपको देखना है इनके एमसीक्यूज यानी कि यहाँ पे डिटेल कोर्स चलेगा और एमसीक्यूज देखने हैं तो आरंभ आरपीएससी करके एक चैनल है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे आपको इनके एमसीक्यूज की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी उसके अलावा सर मैं एनअकेडमी पर ज्योग्राफी करवाता हूँ मैं ही नहीं करवाता मेरे अलावा बहुत से एजुकेटर देखने को मिलेंगे जो अपने अपने सब्जेक्ट करवा रहे हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको चाहिए होती है गाइडेंस है ना कि भाई एक बार तो ये सिलेबस जो है डिमांड क्या है इस एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई हमें करवा दे तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे बैच कोर्सेज मिलते हैं पे इंडिविजुअल कोर्सेज भी मिलते हैं आपको कोई टॉपिक देखना है वो भी आप देख सकते हो यस yes, मैंने दो बजे क्लास ली थी और 16 दिसंबर से हमारा एक आर एस फाउंडेशन कोर्स शुरू शुरू हो रहा है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं उसके अलावा सर और क्या देखने को मिलेगा आपको सर यहाँ पे जो जितने भी एजुकेटर हैं कितने हैं 50 प्लस एजुकेटर है आप इन सभी एजुकेटर्स की क्लास देख सकते हैं उसके अलावा सर कुछ एजुकेटर ऐसे भी हैं जिनका खुद का आर एस में सिलेक्शन हुआ हुआ है कुछ एजुकेटर ऐसे हैं जो कई सालों से ऑफलाइन मार्केट में पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा रहे हैं या फिर मैं बोल सकता हूं कि कई एजुकेटर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनके पास पढ़ाने का या अपने सब्जेक्ट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ओके तो एजुकेटर की या फिर गाइड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो हमारा काम जो है वो आसान करता है सर बात नोट्स की भी होती है तो नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं आप मेरी हर क्लास के बाद में क्लास के जस्ट बगल में आपको लिखा दिखाई देगा पीडीएफ तो आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं ये क्लासेस लाइव चल रही हैं तो आप एजुकेटर से डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसके अलावा क्लास किसी वजह से छूट गई है तो रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो देख सकते हैं मेरी पुरानी क्लास के सभी की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी आप इस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं सर वो कैसे देखेंगे पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग तो आपको करना क्या है मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी तुषार त्यागी करके वहां आइएगा मुझे फॉलो कीजिएगा और फॉलो करने के बाद में नीचे मेरी क्लासेस दिखाई देंगी जब आप फॉलो करते हो तो अगर आपसे कोई कोड मांगा जाए तो उस वक्त आप कोड यूज़ करेंगे तुषार लाइव कोड यूज करने पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा हाँ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक नाम मात्र की फीस देनी होगी जो कि साल भर की कितनी है छह हजार तीन सौ रुपए जो कि कोड यूज करने के बाद होगी अदरवाइज सेवन थाउजेंड रुपीज है दो साल के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको कोड यूज करने के बाद सात हजार पांच सौ रुपए देने होंगे एज ए रेफ एंड रेफरल कोड पे आपको यूज करना है नीचे आपको कुछ क्रेडिट क्वेंस भी मिलेंगे आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं ओके तो ये अनकेडमी का एक प्रोसेस है आप इसके थ्रू बेनिफिट उठा सकते हैं और मेरी जो यूट्यूब पे क्लास वो रात मिलेंगे तो अब चलते हैं राजस्थान में हम। देखो राजस्थान को कल मैंने देख लिया था क्या क्या देखा था सर सबसे पहले मैंने देखा था राजस्थान का पश्चिमी भाग देखने को मिलता है ठीक है तो पश्चिमी भाग को मैंने क्या कहा मरुस्थलीय प्रदेश कहा था अब ये जो मरुस्थल प्रदेश जो है ना राजस्थान का कुल कितना भाग रखता है सबसे पहले कौन कौन सा पश्चिमी प्रदेश पहला, दूसरा, अरावली बांटा तीसरा पूर्वी मैदान बांटा और चौथा मैं क्या बांटता हूं हारोती का पठार ठीक है ये चार भाग बांटे पश्चिमी प्रदेश जो है ये राजस्थान के अलावा पाकिस्तान पंजाब हरियाणा और गुजरात गुजरात पंजाब हरियाणा राजस्थान और उसके अलावा कहा दिखाई देता है मेरे को यह आपका पाकिस्तान के अंदर दिखाई देगा अब बात यह आती है कि ये जो मेरे को दिखाई दे रहा है मरुस्थलीय क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है इसका डिवीजन किस तरीके से करा जाए पहले इसका डिवीजन करना शुरू करें तो मूल रूप से इस मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं देखो सबसे पहला विभाजन करता हूं मैं मरुस्थल का राजस्थान के का पहला विभाजन क्या दिखाई दे रहा है मेरे को अरावली दिखाई दे रही है अरावली के पश्चिम में मरुस्थली प्रदेश है मैं बोल सकता हूं कि पचास सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो किसमें जलवायु प्रदेश में बांटती है ठीक है ना कि मैं बोल सकता हूं दो भौतिक प्रदेश में बांटती है ये बोल सकता हूं मैं मैं ये नहीं बोल सकता दो बराबर भागों में बांटती है बराबर भाग नहीं बोलेंगे आप क्यों क्योंकि इकसठ प्रतिशत भूभाग है ये राजस्थान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो मरुस्थली क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। ध्यान रहेगा ये दो बराबर भाग नहीं होंगे हो 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 तो पचास सेंटीमीटर संवर्षा रेखा को कई बार एग्जामिनर दिमाग में घुमा देता है आपके कैसे घुमाता है वो सीधा पूछता है कि निम्नलिखित में से आ, आपका निम्न में से राजस्थान राज्य को दो भागों में विभाजित करता है ठीक है राजस्थान राज्य को दो भागों के अंदर विभाजित करता है सर दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है पहला ऑप्शन उसने क्या दिया दूसरा तीसरा और चौथा ये इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है आप मेरे को एक बार आंसर बताएंगे कि राजस्थान राज्य को दो बराबर भागों के दो भागों में दो भागों में दो जलवायु भागों में या दो भौतिक भागों में विभाजित किस रेखा के द्वारा करा जाता है आप बताइए इस बार आंसर क्या होगा देखो फिफ्टी 50, 50 पे आ गए आप यहीं पे। बहुत से लोग कह रहे हैं 500 सौ mm. मैंने 500 सौ mm एमएम तो बोला ही नहीं है मैंने 500 सौ mm एम तो बोला ही नहीं है दो जलवायु दो भागों के अंदर विभाजित करने वाला दो जलवायु प्रदेश में देखो अरावली जो जा रहा है ना अरावली से जाती है पचास सेंटीमीटर सौ रेखा यानी कि इसके पूर्व में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी मान गए इस चीज को आप अब इस सेंटीमीटर को मैं क्या एमएम mm के अंदर पचास एमएम बोलूंगा एमएम mm छोटा होता है सेंटीमीटर से ठीक है और क्या होगा ये पांच सौ mm एम होगा तो ध्यान रखना उसने सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया है या एमएम दिया है मिलीमीटर दिया है अगर मिलीमीटर दिया है तो मैं 500 सौ mm, मिलीमीटर क्योंकि 50 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं 500 सौ mm मिलीमीटर होते हैं आपके ध्यान रहेगा गलती नहीं करेंगे ये लोग आप है ना कि क्या पूछ रहा है मुझसे अब आगे देखना शुरू करता हूं मैं नेक्स्ट आगे क्या दिखाई देता है सर पचास सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के द्वारा पश्चिमी मरुप्रदेश हमने बांट दिया है अब पश्चिमी मरु प्रदेश जो मेरे को देखने को मिलता है ये राजस्थान राज्य के अंदर आपका यहां पे आप देखेंगे कि सर इसको भी मैं दो भागों में बांटता हूं दो भाग कौन कौन से होंगे सर दो भाग दिखाई देंगे मेरे को ये बांटा जाता है किससे पच्चीस सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से ठीक है पच्चीस सेंटीमीटर बोल सकता हूं या दो सौ mm बोल सकता हूं इसको दो मिलीमीटर mm. ये क्या हो गया ये होगा आपका अर्धशुष्क प्रदेश ठीक और ये क्या होगा शुष्क प्रदेश शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ठीक है शुष्क मरुप्रदेश और अर्धशुष्क मरुप्रदेश सबसे पहले भौतिक प्रदेश ले रहे हैं कौन सा पश्चिमी मरुस्थल इसको दो भागों में बांट रहे हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में अब देखो एक क्वेश्चन आपके पटवारी में ही आया हुआ है क्या आया हुआ है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो अरावली के कहा है पूर्व में है या पश्चिम में है तो क्या बताओगे आप पश्चिम में दिखाई दे रहा है अरावली के आपके आपसे पूछ ले कि अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है मैं बोलूंगा सर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है इसमें कोई डाउट तो नहीं है स्टेटमेंट आया हुआ है पेपर में आपके ऐसा का ऐसा सीधा स्टेटमेंट आया हुआ है कि पश्चिम में है या पूर्व में है दिशाओं का ज्ञान है है सबको कोई ऐसा तो नहीं है जिसको दिशाओं का ज्ञान नहीं है कि सर मैं तो बड़ा कंफ्यूज होता हूं या होती हूं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बता देना अगर कोई ऐसा लर्नर हो दोस्त तैयारी देखो जीरो से शुरू करी जाती है कोई ऐसा नहीं है महाज्ञानी होता है सब किताब पढ़ पढ़ के आए हैं ठीक है थीके? तो तैयारी जीरो से शुरू होती है और मैं आपकी तैयारी आसान करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे तो प्लीज जो भी डाउट है आप बोलेंगे मेरे को तभी बोलेंगे कि मेरे को समझने में नहीं आया समझाओ दोबारा मैं तो नहीं जानता या मैं नहीं जानती है ना यहाँ पे तो कोई शक्ल भी नहीं देखेगा यार आपकी अगर मतलब वो इज्जत वाला जो है जैसे मतलब क्लास में कुछ लड़के होते हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर तो वो ये सोचते बोले यार इज्जत कम हो जाएगी ये सोचेंगे डफर है तो पूछते नहीं वो शर्म के मारे है ना तो यहाँ पे वो शर्म वाली बात नहीं है कोई जानता ही नहीं है शक्ल ही नहीं देखी किसी ने आपकी ध्यान रहेगा तो सर ये मैंने डिवाइड करा अब देखो मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं यहां पे देखो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है कितने में बांटा गया है सर मुख्य रूप से चार भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है ठीक चार भौतिक प्रदेशों में चार्ट बना लेना इसका आप इस तरीके से आप चार्ट बना लेना इसका चार कौन कौन से दिखाई देंगे सबसे पहले मैं बोलूंगा मेरे को दिखाई देता है कौन सा मरु प्रदेश दिखाई देता है दूसरा अरावली प्रदेश दिखाई देता है तीसरा पूर्वी मैदान दिखाई देता है और चौथा मेरे को क्या दिखाई देता है आपका हाड़ुति का पठार दिखाई देता है ठीक मरु प्रदेश को दो भागों में फिर बांटते हैं कौन कौन सा एक तो मैंने बांटा अर्ध शुष्क के अंदर बांटा और दूसरा मैंने किस में बांटा आपका शुष्क के अंदर बांटा ठीक इस शुष्क को वापस हम दो भागों में बांटते हैं कौन कौन सा एक तो होगा बालू का स्तूप युक्त जहां पे रेत के धोरे मिलेंगे ना तो मैं क्या बोलूंगा स्तूप युक्त उनको बोलते हैं बालू का स्तूप और बोलता हूं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ये दो दिखाई देते हैं अर्धशुष्क को फिर चार में बांटते हैं हम चार भाग कौन कौन से होंगे पहला तो दिखाई देगा ऊपर घग्गर का मैदान ठीक है घग्गर का मैदान दिखाई देगा फिर उसके नीचे आप आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कातली प्रदेश या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र तीसरा दिखाई देगा नागौर उच्च भूमि और चौथा मेरे को क्षेत्र जो दिखाई देगा लूनी बेसिन दिखाई देगा ये आपके अर्धशुष्क मैदान को चार भागों में बांट दिया यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है देखो ये चार्ट समझने में नहीं आया तो मैप देखते हैं यहां पे मैंने क्या करा इसको दो भाग में बांट देता हूं कौन सा बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त ठीक और इसको चार भागों में बांटते हैं पहला कौन सा घग्गर प्रदेश दूसरा लूनी बेसिन क्षेत्र तीसरा नागौर उच्च भूमि और चौथा जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है मेरे को कौन सा सॉरी ये कातली है लूनी नहीं है ये कातली है कातली प्रदेश और चौथा दिखाई देता है लूनी प्रदेश जहां पे लूनी नदी आती है कातली प्रदेश को आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र भी बोलते हैं यहां तक समझने में आ गया अर्धशुष्क को चार भाग में बांटा और शुष्क को दो भाग में बांटा ये समझने में आया ये बेसिक चीज है शेखावाटी प्रदेश में आगे बताऊंगा कैसे क्या बोलना है है ना कातली नदी भी आ, कातली नदी तो ही बोल रहा हूं मैं सर चल रहे हैं डिम्पल चल रहे हैं कितने जिले में है कहाँ है क्या है ये पहले ये चीज समझ लो यार फैक्ट भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं सारी चीज बताऊंगा बस थोड़े से पेशेंस रखो आप है ना भागम भाग नहीं है यार या फिर भागना है बताओ भागना है तो भाग लूंगा मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भागने में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछता है कि राजस्थान का भौतिक विभाजन सर्वप्रथम या राजस्थान को भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किसके द्वारा करा गया था तो सर्वप्रथम करा गया था प्रोफेसर बीसी मिश्रा यह नाम ध्यान रखेंगे आप प्रोफेसर बी सी मिश्रा का उसके बाद में बीसी मिश्रा जो दिखाई देते हैं इन्होंने राजस्थान राज्य को सात भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया फिर प्रोफेसर रामलोचन सिंह जो दिखाई देते हैं इन्होंने राजस्थान को दो प्रदेशों में और बारह लघु प्रदेशों में क्वेश्चन आता है आजकल ठीक है देन सर जैसलमेर के अंदर अपने को कुछ चट्टानी मरुस्थल दिखाई देता है पोकरण में इसको हम हमादा बोलते हैं ये दिखाऊंगा अभी पथरीला मरुस्थल दिखाई देता है इसको हम रेग बोलते हैं बीकानेर के अंदर कुछ जगह खड्डों में पानी भर जाता है इसको हम क्या बोलेंगे आपका रन रन क्षेत्र बोलेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां पानी भर जाता है उसको रन क्षेत्र बोलेंगे और दलदलीय लवणीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं नेहड़ या नाड़ा ओके तो ये सारे क्षेत्र देखने शुरू करते हैं भौतिक प्रदेश में मरुस्थलीय प्रदेश से सबसे पहले शुरू करता हूं मैं तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का पहला फैक्ट आता है कि राजस्थान के मरुस्थल भूभाग पे इकसठ पॉइंट भूभाग पे चालीस प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है इसके अंदर आपका मरुस्थल कितने जिलों में आता है सर बारह जिलों में आता है ठीक है अगर पूछ ले डिम्पल कितने जिलों में आता है तो कितने में आता है बारह जिलों में आता है क्लियर है बारह जिले पश्चिमी राजस्थान के मेरे को दिखाई देंगे पूर्ण मरुस्थल के अंदर आपके आते हुए अब सर बारह जिले में देखना शुरू करता हूं तो मुझसे यह पूछे कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार कौन से जिले में है तो मैं बोलूंगा सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार जो दिखाई देता है मरुस्थली जिलों के अंदर तो दिखाई देता है जैसलमेर के अंदर दिखाई देता है और न्यूनतम किस जिले के अंदर दिखाई देगा तो मैं बोलूंगा न्यूनतम मेरे को दिखाई देगा झुंझुनू के अंदर आपका ठीक है इन मरुस्थली क्षेत्रों में सर्वाधिक मरुस्थल जैसलमेर में और न्यूनतम कहां दिखाई देगा मेरे को झुंझुनू में दिखाई देगा ओके यहां तक क्लियर यहां तक तो कोई डाउट नहीं है यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना आगे चले आगे चले यहाँ पे आगे चलते हैं आगे देखना शुरू करता हूं तो मेरे को क्या दिखाई देता है कि सर ये आपका मरुस्थल की अब बात करते हैं हम ढाल की देखो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में कुछ एग्जाम हुए वहां पे पूछा गया कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल कहां है कोई जरूरत नहीं है रटने की बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है इसको क्यों नहीं है रटने की जरूरत जरा एक चीज बताओ मेरे को अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो यहां से अजमेर से मेरे को लूनी नदी निकलती हुई दिखाई देती है और लूनी नदी जब ऐसे जाएगी तो कहां जा रही है आपका दक्षिण में जा रही है दक्षिण में जा रही है तो दक्षिण में ढाल होगा कि नहीं होगा दक्षिण की तरफ ढाल होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा तो मैं बोलूंगा पश्चिमी मरुप्रदेश का जो ढाल है वो उत्तर से कहा है दक्षिण दिशा के अंदर है ठीक तो दक्षिण दिशा में निम्नतम बिंदु होगा इस मरुस्थल का और सर पूर्व से जो नदी निकलती है थोड़ी पश्चिम की तरफ जा रही है तो मैं बोलूंगा सर पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ है बोल सकते हो ये चीज अब राजस्थान के मरुस्थल का ढाल कहां है मैं बोलूंगा दक्षिण में है ठीक मरुस्थलीय प्रदेश का और पूर्व से कहा है मैं बोलूंगा पश्चिम में सर्वाधिक निम्न बिंदु कौन सा होगा मैं बोलूंगा दक्षिणी भाग जो है सबसे निम्न बिंदु होगा इसका या सबसे निचला क्षेत्र होगा इसका ओके अब सर यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है आपसे बन सकता है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है आपकी उत्तरी पूर्वी जो भाग दिखाई देता है इसके 300 मीटर है और दक्षिणी भाग की 150 मीटर है सबसे कम ऊंचाई दक्षिणी भाग की है ये फैक्ट याद करना चाहो तो कर सकते हो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है बात आती है मरुस्थल का निर्माण मरुस्थल की सीमा कौन सी है आपकी पश्चिमी मरुस्थल की थार के मरुस्थल की सीमा कौन सी है मैं बोलूंगा पचास सेंटीमीटर संवर्षा रेखा या मैं बोल सकता हूं अरावली या मैं बोल सकता हूं 500 सौ मिलीमीटर संवर्षा रेखा ठीक मरुस्थल का मुख्य निर्माण का कारक क्या है अब देखो मरुस्थल निर्माण के दो कारक दिखाई देते हैं यह भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है अपने राजस्थान के अंदर एक कारक क्या होगा मरुस्थली निर्माण का प्राकृतिक कारक होगा और दूसरा कारक क्या होगा मानवीय कारक होगा ठीक एक तो है कौन सा प्राकृतिक कारक और दूसरा क्या कारक है आपका मानवीय कारक बेसिकली मरुस्थल की जो परिभाषा भूगोल बोलता है भूगोल मरुस्थल उस क्षेत्र को बोलता है जहां पे एक साल में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको नहीं बोलता है जहां पे रेत होती है या गर्मी होती है उसको मरुस्थल नहीं बोलते हैं ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में मरुस्थल उसको बोलते हैं जहां पे बारिश कम हो रही है 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसको हम मरुस्थल कहते हैं है ना तो प्राकृतिक कारक क्या बोलोगे आप बोलोगे सर वर्षा का कम होना वर्षा का कम होना और मैं क्या बोलूंगा अरावली का विस्तार ठीक अरावली का विस्तार सर ये कैसे बना गया मरुस्थल देखो अगर मैं अरावली देखना शुरू करता हूं ये तो ये क्या दिखाई देती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिखाई देती है इस तरीके से भारत के अंदर जो बारिश आती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने आती हैं और अरावली की वजह से ये पवने समानांतर निकल जाती है और मरुस्थलीय क्षेत्र में अपने बारिश नहीं होती ठीक तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे वर्षा का आना मतलब मैं बोल सकता हूं वर्षा का कम होना और अरावली का विस्तार ठीक मानवीय कारक तो सर बोला जाता है कि अत्यधिक इसके अंदर जो कारक रहा है वो मानवीय कारक रहा है अब देखो एक क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं एक क्वेश्चन आया हुआ था क्या हुआ था राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में तापमान में अचानक से गिरावट आती है इसका कारण क्या है तो देखो वो, कारक इसका क्या होगा बेसिकली मैं देखना शुरू करूंगा कि यहाँ पे वायुमंडल में शुष्कता बहुत ज्यादा है नमी नहीं है मैंने क्या कहा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा हो गया होगी आप बोलोगे यस सर उच्च शुष्क है स्वच्छ आकाश है यहाँ पे आकाश भी बिल्कुल साफ रहता है बादल नहीं होंगे जब नमी नहीं होगी तो बादल कैसे हो जाएंगे ठीक है और रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी ये सीधा सीधा इसका आंसर एक लॉजिकली एक आंसर निकल जाएगा और सब जो है ये घुमाने फिराने के हैं दिन में अधिक तापमान तेज वायु क्या तेज वायु से क्या आपका तापमान में अंतर आएगा जिलों की उपस्थिति कोई अंतर नहीं आने वाला तो एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मरुस्थल के निर्माण का मुख्य कारक क्या है तो मैं बोलूंगा मानवीय कारक अगर पूछ ले मरुस्थलीय दशा क्यों हो रही है राजस्थान में पश्चिमी में मरुस्थलीय दशा आ, क्यों हो रही है तो मैं बोलूंगा कम वर्षा है इस वजह से हो रही है मरुस्थलीय दशा आपकी ओके अब सर पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में देखना शुरू करता हूं तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं कौन सा एक तो बांटते हैं बालू का स्तूप युक्त में और एक बांटते हैं बालू का स्तूप मुक्त में अब आपके राजस्थान में क्वेश्चन आया हुआ है क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान के अंदर हेलो सितु क्वेश्चन ये आया हुआ है कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल में झीले पाई जाती है पश्चिमों किसके अवशेष में बोलूंगा टैथिस सागर के बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है यानी कि ये जो पश्चिमी राजस्थान दिखाई देता है ना ये मरुस्थल ये क्षेत्र दिखाई देता है ये इकसठ प्रतिशत पे दिखाई देता है तो इसको मरुस्थल का तो सौ ही बोलूंगा ना मैं ये राजस्थान का तो इकसठ है मरुस्थल का तो सो ही प्रतिशत है ना बताओ जरा भाई पश्चिमी मरुस्थल जो है वो राजस्थान का तो ही आपका इकसठ प्रतिशत है वरना मरुस्थल मैं बोलूं, प्रदेश ये कितना है खुद में तो सो ही प्रतिशत हो ये खुद में तो सो ही होगा खुद में सो प्रतिशत है तो मैं पूछूंगा इसमें कितने हिस्से पे बालू का स्तूप है और कितने हिस्से पे बालू का स्तूप नहीं है आप बोलोगे सर इकतालीस पॉइंट पांच प्रतिशत भूभाग जो है ना बालू का स्तूप मुक्त दिखाई देता है जहां पे धोरे नहीं है अपने रेत नहीं है रेत के टीले नहीं है ठीक इकतालीस पॉइंट पांच प्रतिशत भूभाग और बाकी अब कितना बच गया सर आपका कितना बचा आपका अब सत्तावन पॉइंट पांच बच रहा है क्या अट्ठावन पॉइंट पांच सॉरी अट्ठावन पॉइंट पांच बच रहा है क्या शेष अट्ठावन पॉइंट पांच बच रहा है क्या बच रहा है नहीं बच रहा है अरे और इकतालीस नहीं हो गए क्या हाँ तो अट्ठावन पॉइंट पांच भूभाग जो है ये बालू का स्तूप क्या दिखाई देता है युक्त प्रदेश दिखाई देता है ये स्टेटमेंट आपके पटवारी के पेपर में आया हुआ है कि राजस्थान राज्य के अंदर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है तो युक्त प्रदेश और मुक्त प्रदेश कितना है तो मुक्त मैं याद रख लूंगा युक्त मेरे को याद रहेगा मुक्त जो है वो कितना है इकतालीस पॉइंट पांच प्रतिशत भूभाग है और युक्त जो दिखाई देता है वो कितना दिखाई देता है आपको कितना दिखाई देता है अट्ठावन पॉइंट पांच प्रतिशत भूभाग तो इस अट्ठावन पॉइंट पांच प्रतिशत भूभाग पे धोरे मिलते हैं अपने को रेत के टीले मिलते हैं और इक्यावन पॉइंट पांच प्रतिशत भूभाग जो है वो रेतो रेत के टीलों से मुक्त दिखाई देता है जरा देखो यहां पे आप देखना शुरू करते हैं ये दिखाई देते हैं ये दिखाई दे अपने को दो ठीक ऐसे रेत दिखाई देता है अरे देता है नहीं देता है बीकानेर में जाके देख लेना चूरू में देख लेना आप टीले खूब दिखाई देंगे अपने को ऐसे अब ये जो आपके बालू का स्तूप दिखाई देते हैं इनको क्या बोलते हैं सैंड ड्यून बोलते हैं ठीक इनके बारे में क्वेश्चन आता है आता है नहीं आता है कि जरा ये बताओ बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं अनुप्रस्थ कहा मिलता है और आपका पैराबोलिक कहा मिलता है चंद्राकार कहाँ मिलता है बरखान कहां मिलता है ऐसे कुछ क्वेश्चन तो सबसे पहले मेरे को यह ध्यान रखना है कि ये जो बालू का स्तूप दिखाई देता है ये आपके मूव होते हैं धोरे जैसलमेर में जाओगे आप बाड़मेर में जाओगे तो धोरे है ना मूव होंगे एक, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं ये तो ये सक्रिय किस मौसम में रहते हैं सबसे ज्यादा है इनका मैं बोल सकता हूं बालू का स्तूप का चलना स्थिर नहीं होते हैं ये ये धोरे आपको एक भी स्थिर नहीं दिखाई देगा हवा चलेगी पहले यहां से फिर अब यहां शिफ्ट हो जाएगा फिर आप अगले दिन देखोगे तो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा ये हवा इनको उड़ा के ले जाती है मिट्टी को यहां से हटा के अब यहां ले जाएगी फिर यहां ले जाएगी तो ये बदलते रहते हैं सब अपने स्थान को बदलते रहते हैं स्थिर नहीं होते हैं बालू का स्तूप कभी भी ठीक तो ये मैं बोल सकता हूं इनका मूवमेंट या इनका प्रवाह जो होगा सबसे ज्यादा जुलाई से मार्च से जुलाई के माह में ये क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है रास्ता भूलते हैं यहाँ पे लोग भूलते हैं और वहां पे एलओसी क्यों नहीं बना पाए हम आज तक उस साइड में एलओसी और क्यों नहीं बना पाए रेत दब जाती है सड़क दब जाती है ट्रेन की लाइन दब जाती है होता है यहां पे ऐसा तो ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया बालू का स्तूप जो है ये सर्वाधिक सक्रिय है या सर्वाधिक मूव कौन से माह में होते हैं सर गर्मियों में होते हैं और मार्च से जुलाई के माह में होते हैं ध्यान रहेगा ये ध्यान रहेगा कि मार्च से जुलाई के माह में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप आपके घूमते हैं ठीक है तो इसको ग्रेट डेजर्ट बोला जाएगा अब सर यहां पे मैं देखना शुरू करता हूं इनकी आकृति के आधार पर इनको बांटा गया है सबसे पहले क्या दिखाई देता है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या रेख बालू का स्तूप ठीक इसको देखते हैं हम पवन अनुवर्ती या रेख है देखो जरा हवा जो है ना यहां से चल रही है यहां पे इस जगह इस जगह जो हवा चल रही है वो यहां से चल रही है इस तरीके से यहां से चल रही है ऐसे यहां से चल रही है तो ये जो लहरें बन रही हैं इस हवा के समान बन रही हैं क्या ये देखो ये ऐसा हवा के समान बन रहा है क्या पूरा बालू का स्तूप जैसे हवा चल रही है उस हवा के डायरेक्शन में देखो ये लाइनें दिखाई दे रही हैं क्या ये दिखाई दे रही हैं क्या ये दिखाई दे रहा है क्या इस हवा के समान अब राजस्थान के परिपेक्ष में मैं एक चीज देखना शुरू करता हूं पवनानुवर्ती या रेख ही है तो वायु के दिशा में अब क्वेश्चन क्या आया हुआ आपके क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पवनानुवर्ती बालू का स्तूप की दिशा क्या होगी ठीक राजस्थान के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैं जितना कंटेंट बता रहा हूं मैं गारंटी से बता रहा हूँ क्वेश्चन यहां से बहुत फसते हैं ठीक है क्वेश्चन यहां से बहुत फसते हैं जितना कंटेंट करवाया है ना मैंने आज तक आज तक तो भगवान की दुआ से कंटेंट में से क्वेश्चन बहुत निकले तो देखो दिशा की बात करता हूं दिशा रटनी नहीं है कभी भी क्यों रटनी मेरे को भैया रट के कोई फायदा नहीं है आप ये बताओ राजस्थान में गर्मियों में जो हवा चलती है गर्मियों में जो हवा चलती है इस जगह पश्चिमी राजस्थान में होगा क्या गर्मियों में राजस्थान जो है ये हो जाएगा गर्म पश्चिमी और हिंद महासागर है ये क्या रहेगा ठंडा तो यहां से हवा चलती है इस तरीके से इस तरीके से बताओ ये हवा की डायरेक्शन क्या हो गई उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम क्या दिखाई दे रही है दक्षिण पश्चिम से आती हुई दिखाई दे रही है क्या हवाएं दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं बोल दोगे सर दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं कहाँ आ रही हैं मैं बोलूंगा सर उत्तर पूर्व में आ रही हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ तो रेखीय बालू का स्तूप जो है बताओ जरा उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगी बताइए रेखे बालू का स्तूप की दिशा क्या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगी बिल्कुल होगी यार तो दिशा मेरे को रटनी पड़ी रटनी पड़ी ये दिशा कहीं से कहीं नहीं रटनी पड़ेगी मेरे को पता लग गया ना अब तो कारण क्या है तो मैं बोल दूंगा सर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती है ये आपकी है ना क्लियर सी बात है इसके पीछे तो सर अब ये कहाँ देखने को हवा के साथ बनती है रेखा बस हवा के समानांतर होते हैं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या रेखे बालू का स्तूप तो इनका विस्तार जो होता है वो वायु की दिशा में होता है या फिर मैं बोल सकता हूं ये लंबवत समानांतर श्रेणी के समान दिखाई देते हैं हवा के समानांतर दिखाई देते हैं ठीक है क्लियर है ठीक दिशा क्या होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने यह राजस्थान में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनकी स्तूप स्तूप की की दिशा रेखे, का की दिशा कौन सी होगी तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगी ओके आ, फिर आगे देखना शुरू करते हैं आगे क्या देखने को मिल रहा है मेरे को सर अगर ये पूछ लिया जाए आपसे बालू का स्तूप कहां मिलता है यार इधर पश्चिमी राजस्थान में देखो कौन कौन सा दिखाई देगा नीचे नीचे देखो आपको यहाँ बाड़मेर दिखाई देगा क्या मरुस्थलीय जिला अपना यहाँ पे अगर मैं देखना शुरू करता हूँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर मैंने बताया कि ये हवा चलती है ये गुजरात से इधर से आ रही है तो आप बोलोगे हाँ सर ये बाड़मेर जो है यहाँ आ रही है बाड़मेर में बोल दूंगा इनको मैं देखे बालू स्तूप को सर बाड़मेर में मिलते हैं और कहा मिलते हैं सर ऊपर थोड़ा सा यहाँ भी ले लो यार जैसलमेर में भी ले लो जैसलमेर में भी ले लेते हैं अच्छा बाड़मेर जैसलमेर के पास जोधपुर मिल रहा है तो जोधपुर में भी ले लो आप तीन जिले हैं इसके रेखे बालू के स्तूप के बाड़मेर हो गया जैसलमेर हो गया जोधपुर हो गया कहानी खत्म हो गई है हुँ? समझने में आ गया रेखे वालों के को स्तूप कोई डाउट तो नहीं है इसमें बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है कहां कहां मिल रहे पता लग जाएगा ठीक है आगे आ जाओ और डीप देखना उसको और अगर अंदर तय में जाना है तो तय में जाना है तो ध्यान रखना जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में रामगढ़ जो है वहां मिलता आपका ठीक है राखी तो आ गई राखी तो आ गई मतलब रेखे तो आ गया ओके 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 <laughs> ओके रेखी आ गया ना सारे आएंगे टेंशन ना लो आप सारे आपको याद करवाऊंगा मैं यही याद करवाऊंगा दूसरा दिखाई देता है बरखान और एक बरखान को ही बोलते हैं हम अर्ध बालू का स्तूप ठीक है और एक चीज देखो एक दिखाई दे रहा है आपको क्या ये दिखाई दे रहा है पैराबोलिक पैराबोलिक भी इसी तरीके का दिखाई देता है बरखान टाइप का दोनों की संरचना समान होती है ठीक दोनों का दोनों की आकृति समान होती है पर दोनों का निर्माण जो है ना वो अलग तरीके से होता है दोनों देखने में तो एक से लगते हैं पर दोनों का निर्माण जो है वो अलग तरीके से होगा बरखान का और किसका पैराबोलिक का ठीक देखना शुरू करें तो पहले बरखान देखें हम देखो बरखान क्या दिखाई देता है ये हवा चल रही है आपकी ये हवा है ये विंड डायरेक्शन है और हवा के पास में अवरोध आया हवा ने यहाँ पे मिट्टी जमानी शुरू कर दी और मिट्टी जमानी शुरू कर दी अब जो है ना ये किनारे जो दिखाई देंगे यहां पे ये पूरा का पूरा ऐसा अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप बन जाएगा मैं क्या बोलूंगा बरखान जो है ये क्या बनेंगे यहाँ पे इसके हवा के सम्मुख जो ढाल है ये क्या दिखाई देते हैं उत्तल

तो बरखान यार चंद्राकार कहां दिखाई देगा चूरू के अंदर जैसलमेर के अंदर सिकरनेर सिकर के अंदर गंगानगर के अंदर देखना शुरू आप देखोगे यहाँ पे दिखाई देगा आपको सूरतगढ़ उसके अलावा बाड़मेर और उसके अलावा आप देखोगे जोधपुर तो यहां मिलता है अपने को बरखान ठीक है चूरू जैसलमेर सिक्कर बाड़मेर या फिर मैं बोल सकता हूं शेखावाटी क्षेत्र के अंदर मेरे को क्या दिखाई देगा बरखान ये पूछा गया कि शेखावाटी क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं बोल दोगे बरखान पश्चिमी मरुस्थल के अंदर बोल दोगे रेखे बालू का स्तूप ठीक है और बरखान शेखावाटी के अंदर स्पेशली क्या मिलेगा बरखान मिलेगा स्पेशली बरखान मिलेगा शेखावाटी के अंदर अपने ठीक है आगे चले थोड़ा सा थोड़ा सा आगे चले तीसरा जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है मेरे को पैराबोलिक देखो पैराबोलिक के लिए आपने पढ़ा होगा ये महिलाओं के हेयर पिन के समान दिखाई देता है है ना हेयर पिन वो एक क्लिप सी नहीं होती है जब छोटे थे आप लोग लगाते थे है ना स्कूल में जब जाते थे तब लगाते थे आपके घर में आपकी कोई छोटी बहन हो तो देखना मम्मी जो है उसके एक क्लिप लगाती है बालों में पीछे छोटी सी ऐसी कुछ क्लिप होती है वो ऐसी कुछ क्लिप होती है इस तरीके की ठीक है बफ बनाने के लिए अब ये मेरे को नहीं पता देखो डिम्पल बफ क्या होता है आई डोंट नो क्योंकि मैं मैंने कभी इतने लंबे बाल रखे नहीं है, है ना और अब बचे नहीं है आगे देखना शुरू करता हूं मैं तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है ये इस तरीके का इस तरीके का आपको दिखाई देता है ये अब देखो बरखान में जो हवा चल रही थी वो ऐसे चल रही थी है ना और पैराबोलिक के अंदर जो हवा चल रही है वो इस तरीके से चल रही है सामने अंतर समझने में आ गया बरखान में और पैराबोलिक में बरखान में और पैराबोलिक में अंतर समझने में आ गया बरखान में जो हवा चल रही थी उसकी डायरेक्शन ये थी और पैराबोलिक में जो डायरेक्शन है वो आपकी ये हो रही है तो पैराबोलिक की विशेषता क्या है इसके सामने हवा के द्वारा कुछ खड्डे बना दिए जाते हैं और इसके किनारे जो है ना इसपे कुछ वनस्पति पाई जाती है क्या मिलेगी कुछ वनस्पति देखने को मिलेगी और उसकी वजह से ये क्या होते हैं स्थिर हो जाते हैं ठीक है उल्टा है बरखान से यस बिल्कुल नहीं है उल्टा है ये बरखान से तो मैं बोल सकता हूं पैराबोलिक बालू का स्तूप जो है ये राजस्थान के प्रत्येक जिले में पाया जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के अंदर लगभग प्रत्येक जिले में निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है रेखे बालू का स्तूप बरखान या पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे कौन सा बोलेंगे पैराबोलिक कौन सा बोलेंगे पैराबोलिक अब देखो अब एक बार ये देखो एक टेक्निक यूज करी जाती है मेमोरी टेक्निक बोलते हैं इसको ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम मेमोरी टेक्निक बोलते हैं तो मेमोरी टेक्निक क्या कहती है जैसे अभी मैंने क्लास ली है पैंतीस मिनट की तो पैंतीस मिनट की चीज को मैं तुरंत कैसे इसको लंबे समय तक याद रखू है ना तो देखो कभी भी तैयारी करी जाती है अक्सर हम पढ़ने पे ध्यान देते हैं रिवीजन पे नहीं देते हैं तो सर कभी भी आपको एग्जाम क्रैक करना है रिवीजन ज्यादा से ज्यादा रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो अभी तक जो पढ़ा है उसको हम देखते हैं साधारणतया राजस्थान राज्य को मैंने क्या कहा कि चार भौतिक प्रदेशों के अंदर हम बांट रहे हैं सबसे पहला मेरे को क्या दिखाई देता है पश्चिमी मरु प्रदेश दिखाई देता है पश्चिमी मरु प्रदेश की अगर मैं सीमा बोलूं तो अब देखो यहाँ पे ना कुछ डायग्राम ऐसे आप नोट्स में बना सकते हो अपने क्या बना सकते हो ये है ये पश्चिमी मरु प्रदेश यह मैंने कर दिया क्या 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा या मैं इसको बोल दूंगा अरावली या मैं क्या बोल दूंगा इसको 500 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा फिर मैं क्या बोल दूंगा पांच मिलीमीटर सॉरी पांच मिलीमीटर ठीक फिर इसको हमने दो भागों में बांटा किस किस में शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर शुष्क प्रदेश को हम दो भागों में फिर बांटते हैं कौन कौन सा बांटा मैंने शुष्क प्रदेश को पहले तो मैंने बोला आपका बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त अगर मैं युक्त की बात करूं तो कितने क्षेत्र पे आपके बालू का स्तूप पाए जाते हैं राजस्थान राज्य के अंदर आप बोलोगे अट्ठावन पॉइंट पांच प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीय क्षेत्र के भूभाग के अठावन पॉइंट पांच प्रतिशत भूभाग पर क्या मिलता है मेरे को आपका बालू का स्तूप मिलता है मरुस्थलीय प्रदेश इकसठ भूभाग पे है राज्य के देन बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितने प्रतिशत भूभाग पे मिलता है मैं बोलूंगा इकतालीस पॉइंट पांच प्रतिशत भूभाग जो है ये मुक्त है ठीक है राधे याद रहेगा युक्त और मुक्त का आपको याद रहेगा आपका तो ये उसके बाद में आगे देखना शुरू करता हूं मैं तो मेरे को क्या दिखाई देता है जो बालू का स्तूप युक्त के अंदर तो यहां पे देखूंगा जो बालू का स्तूप के प्रकार सबसे पहले क्या दिखाई दिया मेरे को रेखे बालू का स्तूप रेखे बालू का स्तूप मेरे को कहां दिखाई दे रहा है सर इसकी दिशा मैं बोलूंगा दक्षिण पश्चिम से ये देखो इधर बना दूंगा दक्षिण पश्चिम से कौन सी होगी उत्तर पूर्व फिर उसके बाद मैंने कौन सी बात करी इसके बाद में मैंने कहा वायु के समानांतर दिखाई देते हैं कहां दिखाई देंगे सर जैसलमेर के अंदर दिखाई देगा जोधपुर के अंदर दिखाई देगा और कहा दिखाई देगा आपका बाड़मेर के अंदर दिखाई देगा ये तीन जिले हैं यहाँ पे दिखाई देता है उसके बाद में फिर कौन सा बताया मैंने बताया बरखान बरखान कैसे होते हैं अर्धचंद्राकार होते हैं या वायु के समकोणीय बनने वाले क्या दिखाई देंगे बालू का स्तूप दिखाई देंगे ठीक है और मैं बोल सकता हूं कि ये जो बालू का स्तूप दिखाई देते हैं इस प्रकार के बालू का स्तूप शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं फिर उसके बाद में मैंने बताया कौन सा पैराबोलिक तो पैराबोलिक क्या बोलेंगे राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर लगभग मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रत्येक जिले के अंदर पाया जाने वाला बालू का स्तूप है ये ठीक है वैसे पूरे राजस्थान में नहीं होगा पर मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रत्येक जिले के अंदर पैराबोलिक मिलेगा मेरे को पैराबोलिक की विशेषता क्या होती है पैराबोलिक के जो किनारे देखने को मिलते हैं उन किनारों पर मेरे को वनस्पति देखने को मिलेगी हल्की फुल्की घास या जैसे देखना शुरू करते हो आप कुछ जाट्टी वगैरह के इनके पेड़ जो है ना ये देखने को मिल जाएंगे क्लियर है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को हाँ बारह जिले में से बारह के बारह में मिलेगा ये बारह के बारह में मिलेगा बिल्कुल डिम्पल है ना मरुस्थलीय क्षेत्र के लगभग प्रत्येक जिले के अंदर देखने को मिलेगा आपका आगे देखना शुरू करते हैं

ताराकार बालूका स्तूप तो देखो इसका निर्माण कैसे होता है इसका निर्माण ऐसे होता है जब हवा जो है उसकी मतलब कोई दिशा निश्चित नहीं है मान लिया हवा पहले तो यहां से चली तब यहाँ पे इस तरीके से लेख रेखा बन जाएगी फिर यहां से चली यहाँ पे बन जाएगी फिर यहां से चली यहां से बन जाएगी यहां से चली यहाँ पे बन जाएगी तो आपसे पूछ ले कि ताराकार बालूका स्तूप का निर्माण कैसे होता है बोलते हो अनियमित वायु के कारण अनियमित हवा के चलने के कारण जो है ये ताराकार सेंड्यूम बनते हैं सर कहा मिलेगा जैसलमेर के सोनगढ़ पोखरण के अंदर गंगानगर के सूरतगढ़ के अंदर ठीक ये देखने को मिलता है मेरे को दो लोकेशन जैसलमेर का सोनगढ़ और पोकरण क्षेत्र होगा गंगानगर का सूरतगढ़ देखने को मिलता है ठीक है तो ये मेरे को एक क्षेत्र जहां पे ताराकार और इसी के पास में मेरे को आपका देखने को मिलती है एक स्थल आकर जिसको बोलते हैं हमादा हमादा की बात करूंगा ये पथरीला मरुस्थल होता है हमादा को क्या बोलते हैं हम पथरीला मरुस्थल यहाँ पे पत्थर के टुकड़े दिखाई देंगे आपको हमादा के अंदर ठीक देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये है हमादा चट्टानी मरुस्थल बोल दो पथरीला मरुस्थल बोल दो ये देखो यहाँ पे आपको चट्टान के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं कंकड़ युक्त दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हमादा क्षेत्र बोलते हैं ठीक ये हमादा होता है अब सर राजस्थान के अंदर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है ना उसकी बात करो आप कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है उसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है देखो आप पोकरण देखना शुरू करते हो तो पोकरण जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र दिखाई देगा वहां पे बालू का स्तूप मुक्त मैं बोल सकता हूँ वहां पे आपको पथरीला मैदान मैदान दिखाई देता है कुछ उसके अलावा मैदान के अलावा के मैं जैसलमेर में जैसे ही पहुंचा तो जैसलमेर के अंदर यही पश्चिमी क्षेत्र में मेरे को देखने को मिलता है क्या एक वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में एक राष्ट्रीय मरु उद्यान बनाया हुआ है हमने ठीक है क्या नाम है इसका राष्ट्रीय मरु उद्यान और राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा क्या देखने को मिलता है मेरे को ये मैं बोल सकता हूँ ध्यान देखने को मिलेगा या राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा नेशनल पार्क उसके बाद क्या होता है आपका अभ्यारण्य राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा अभ्यारण्य देखने को मिलता है आपका ठीक है तो यहाँ पे एक क्षेत्र ऐसा है जिसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कि सर इस क्षेत्र के अंदर कुछ चट्टान पाई जाती है आपकी और ये चट्टान कब की बनी हुई है सर तृतीय कल्प की बनी हुई है तृतीय कल्प में क्या हुआ था जब टैथिस सागर पीछे जा रहा था ना ये क्षेत्र दलदलीय हुआ था कुछ पेड़ वगैरह हुए और ये पेड़ जो है बाद में नीचे दब गए और नीचे दब गए तो ये ताप और दाब के कारण इनका स्वरूप जो है वो बदल गया यानी कि चट्टान में परिवर्तित हो गए सीधे किसी चीज को लंबे समय तक मैं नीचे दाब के रखूं ताप दूं दाब दूं तो वो बिल्कुल आपका क्या होता है उसका स्वरूप जो है चेंज हो जाएगा सर ये क्या है हमादा के पास यही बता रहा हूं ऑकलवुड फॉसिल पार्क जो है ना वहां पे आपको जीवाश् मिलते हैं ये देखो पूरा पेड़ है ये पूरा का पूरा जमीन से मिला है और चट्टान के रूप में मिल रहा है ठीक है मतलब सोचो पेड़ जो है कई लाख साल जमीन के अंदर दबा रहा और दबाव से और ताप से वो पत्थर की तरह हो गया पत्थर बन गया वो पेड़ आपका ठीक है पत्थर में कन्वर्ट हो गया वो ठीक है तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको सर यहां पे मिलती है इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान ठीक ताप और दाब से नीचे दबके जो अपने जैसलमेर के अंदर आप देखना शुरू करोगे ओकलवुड फॉसिल पार्क तो इसमें यही देखो पेड़ है तो जीवाश्म होंगे जीवो के अवशेष होंगे इस में देखो कैसे पता लगा हमने जब C14 करा इसका कार्बन 14 डेटिंग हमने करा पेट्रोलियम भी हाँ पेट्रोलियम इसी टर्शी का ही बना हुआ है अपना बिल्कुल टर्शी का ही बना हुआ है यस 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 तो यहां पे मैं देखना शुरू करता हूं कि ये इसके अंदर जब हमने करा कि यार ये तो मतलब वो इसके अंदर तो जैविक तत्व मिल रहे हैं ये तो कोई पेड़ था अच्छा ये चट्टान कैसे बना तो ये पता लगा कि तृतीयक कल्प में ये नीचे दब गया और नीचे दबने के कारण ये क्या हो गया आपका चट्टानों में परिवर्तित हो गया अब देखो ये तैथिस सागर जब पीछे हट रहा था ना पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो यहां पर आप ध्यान रखना जो भी खनिज मिलेगा वो तृतीय कल्प में मिलेगा चाहे आप बोल दो पेट्रोल बोल देना यहां मिलता है अपने को चाहे आप कोयला बोल देना कोयला के अंदर आप बोलोगे लिग्नाइट कोयला मिलता है राजस्थान में अपने ये तृत्य कल्प का मिलता है लिग्नाइट C14 कार्बन डेटिंग होती है कार्बन की मतलब देखो जैसे जैसे चीज पुरानी होती चली जाती है ना जिसमें जैविक पदार्थ तत्व मतलब कोई भी जैविक चीज होती है हम हो गए या पेड़ पौधे हो गए सबके अंदर कार्बन होता है मानव शरीर में भी कार्बन होता है ठीक है कार्बन से ही बोलते हैं कि रचना हुई है जीवों की कार्बन से ही उत्पत्ति बताई जाती है कि सब में कार्बन देखने को मिलेगा तो कार्बन की मात्रा आप में कम होती चली जाएगी जैसे-जैसे आप पुराने होते चले जाओगे तो C14 एक पद्धति है जिसके आधार पर कार्बन की मात्रा ज्ञात करके उसकी आयु का पता लगाया जाता है कि कितनी पुरानी है पेड़ कितना पुराना है या कोई जीव है वो कितना पुराना है उसके हड्डी वड्डी मिले तो कितनी पुरानी है वो है ना तो वो गणना करी जाती है इसको बोलते हम C14 ठीक है क्लियर है तो यहां पे पश्चिमी राजस्थान में क्या मिलेगा तृतीय कल्प की सारी चट्टान मिलेंगे आपको कौन से कल्प की तृतीय कल्प की और सारे खनिज जो मिलेंगे ना पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या क्या पेट्रोल हो गया कब का होगा आप बोलना सर तृतीय कल्प का दिखाई देगा उसके अलावा कोयला जो हो गया ये कब का होगा मैं बोलूंगा तृतीय कल्प का होगा मुझसे पूछ वुड फॉसिल पार्क ऑक्कल वुड फॉसिल पार्क जो है या इसको क्या बोलते हैं आपका जीवाश्म पार्क बोलते हैं फॉसिल का मतलब क्या होता है जीवाश्म होता है तो ये जीवाश्म पार्क जो है अवसादी है कोयला वगैरह सब अवसादी है यार ये जीवाश्म पार्क जो है बिल्कुल बोल सकते हो आप ये जीवाश्म पार्क जो है इसके अंदर क्या मिलता है मेरे को सर मैं बोलूंगा यहां पे मेरे को तृतीयक कल्प की चट्टाने देखने को मिलती है। अब पूछ बैठे पश्चिमी राजस्थान के अंदर ओकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है मैं बोलूंगा जैसलमेर में किसके लिए जाना जाता है मैं बोलूंगा सर यहाँ पे जीवाश्म मिलते हैं किसके पेड़ों के मिलते हैं चट्टानी रूप में जीवाश्म मिलते हैं पेड़ों के जीवाश्म भी किसके रूप में चट्टान के रूप में देखने को मिलते हैं अब सर जी हमादा के पास रेग लगाकर रोकते हैं क्या सर हमादा के पास रेलिंग लगाकर रोकते हैं क्या देखो रेलिंग तो उस क्षेत्र पे लगाई जाएगी जहां से कोई सड़क जा रही है या आपकी ट्रेन पटरी जा रही है अदरवाइज रेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो भारी पड़ जाता है संभव नहीं है इतना ज्यादा रेलिंग लगा के रोकना डेजर्ट की ग्रोथ को रेलिंग लगा के संभव नहीं है रेग भी होता है क्या सर हाँ रेग भी होगा रेग भी होगा यहाँ पे ठीक है रेग क्षेत्र भी होता है तो यहाँ पे एक चीज देखना शुरू करते हैं देखो यहाँ पे ये जो अवसादी चट्टान है ये देखो अवसादी चट्टान किसकी तरह व्यवहार करती है स्पंज की तरह स्पंज देखा है कभी स्पंज का टुकड़ा फोम का टुकड़ा देखा है क्या स्पंज का अरे बचपन में स्कूल में कभी काम में लिया है क्या स्पंज अच्छा इस स्पंज को हिंदी में क्या बोलते हैं स्पंज को हिंदी में बोलते हैं सोखता स्पंज का हिंदी नाम बड़ा मेरे को बड़ा अच्छा लगता है हिंदी में स्पंज को बोलते हैं सोखता शाही वगैरह गिर जाती है या कहीं पानी वगैरह गिर जाता है तो उसको आप सूखने के काम में हाँ, गद्दी भी बोल दो यार गद्दी भी बोल सकते हो तो ये जो चट्टान है ना यहाँ पे ये स्पंज की तरह काम करती है जैसलमेर में अच्छा बताओ स्पंज की तरह काम करती तो इसमें पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप बोलोगे ये सर पानी होगा इसके अंदर नीचे जमीन में तो मैं बोल सकता हूं यहीं पर जैसलमेर में बालूकाश तो उप मुख्य क्षेत्र में दिखाई देता है मेरे को लाठी क्षेत्र क्या नाम है लाठी क्षेत्र है और लाठी क्षेत्र पे स्पंजनुमा चट्टा ने जिसमें मेरे को मिलता है पानी पानी मिलता है तो बोरिंग कर लूंगा क्या पानी मिलता है तो बोर तो करेंगे यार मरुस्थल में हम बिल्कुल करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है आपका मैं बोल सकता हूं चांदना नलकूप जो दिखाई देगा थार का घड़ा क्या बोलते हैं इसको चांदना नलकूप दिखाई देगा यहाँ पे आपका इसको बोल दोगे लाठी क्षेत्र में चांदना नलकूप थार का घड़ा अच्छा यहां पे फिर आपकी घास भी होगी ना इस क्षेत्र में घास होगी कि नहीं होगी आप बोलोगे हां सर पानी है तो घास तो थोड़ी बहुत हो ही जाएगी कौन कौन सी होगी सर धामण और सेवन कौन कौन सी होगी धामण और सेवन घास पाए जाएंगे इस क्षेत्र में लाठी क्षेत्र में बालू मुक्त की बात कर रहा हूं मैं घास होगी तो गाय खाएगी क्या घास होगी तो घास को गाय खाएगी क्या बताओ जरा अरे गाय खाएगी नहीं खाएगी बिल्कुल खाएगी तो यहीं पे मिलेगी राठी गाय यहीं पे मिलेगी कौन सी राठी गाय मिलेगी क्लियर है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र क्लियर है क्लियर दिखाई दिया ठीक क्या क्या देखा मैंने बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में सबसे पहले देखा मैंने पोकरण क्षेत्र देखा पोकरण क्षेत्र के बाद में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र दिखाई देता है पथरीला मरुस्थल दिखाई देता है जिसको मैं हमादा कह रहा हूं उसके बाद में मेरे को यह क्या दिखाई दे रहा है यहां पे ऑकलवुड फॉसिल पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें मेरे को जीवाश्म दिखाई देते हैं ऑकलवुड फॉसिल पार्क किसके अंदर स्थित है मैं बोलूंगा जैसलमेर जिले में है किसमें है मैं बोलूंगा पश्चिमी राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है इसके अंदर है ये आपका ऑकलवुड फॉसिल पार्क जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है ऑकलवुड फॉसिल पार्क में, में किस क्रम की चट्टाने मिलती हैं तृतीय कल्प की मिलती हैं राजस्थान में पेट्रोल और कोयला किस क्रम की चट्टानों से मिलता है तृतीय कल्प की चट्टानों से मिलता है यहीं पर मेरे को जल स्तर मिलेगा कुछ चट्टानों के अंदर यानी कि जमीन में पानी मिलेगा तो जहां पे जमीन में पानी जैसलमेर में मिलता है उसको बोलते हैं लाठी क्षेत्र बोलते हैं लाठी क्षेत्र में एक बोरिंग करा जिसका नाम है चांदना नलकूप इसको बोला मैंने थार का घड़ा है तो यहाँ पे घास भी देखने को मिलेगी घास कौन सी होगी एक तो होगी दामण और दामण के अलावा दूसरी कौन सी होगी सेवण दामण और सेवण और दामण और सेवण जो है इसको घास को घाय खाएगी कौन सी खाएगी राठी खाएगी और राठी गाय लाठी क्षेत्र में सर धामण सेवन खाएगी ना यार मरुस्थली क्षेत्र की बिल्कुल मतलब घास बढ़िया वाली खा रही है ये, ये तो इसका दूध उत्पादन जो है वो अच्छा होगा और इसको क्या बोलेंगे राजस्थान की काम ठीक है करडी भी होती है क्या भाई ममता होती है क्या कर्ड मतलब समझा नहीं भी होती है मतलब करद क्या लिखा है दोबारा लिखो आप प्रोटीन युक्त तो होती है घास सुना है घास है अच्छा कर्ड गास, कर्ड घास घास प्रोटीन युक्त तो होगी यार ये दुग्ध उत्पादन ज्यादा होता है दुख दुख कर्ड घास कर्ड घास तो यार देखो मैंने इधर देखा नहीं है ब्राह्मण सेवन के अलावा कर्ड घास मैंने देखा तो नहीं है यार आगे चले अब ये मरुस्तलीय क्षेत्र क्लियर है पश्चिमी शुष्क मरुस्तरीय क्षेत्र क्लियर है अर्धशुष्क मरुस्तरीय क्षेत्र देखें क्षेत्र देखो यार मैं पढ़ाता बहुत स्लो हूं ये और बता दू कोई मेरे से वो मतलब रॉकेट की तरह नहीं भागा जाएगा है ना जब तक मेरा एक एक स्टूडेंट ये नहीं बोल देना मेरे को कि सर क्लियर नहीं है तब तक मैं आगे नहीं भागूंगा है ना क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम पढ़ता है ना कोई कोई भी लर्नर फर्स्ट टाइम पढ़ता है तो उसके बाउंस होती हैं चीजें और मैं नहीं चाहता कोई चीज बाउंस हो बाउंस तो नहीं हो रहा हो रहा है यार सर जी टपेड़े तो नहीं मार रही चीजें क्लियर हो गया चलो सर राजेश भाई चलो तो कमेंट करके बता देना यार है ना क्लास के लास्ट में रेस्पॉन्स पूछा जाता है वहां पे कमेंट करके बता सकते हो आप कि सर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाकी जो है जैसे प्रोफाइल देखने को मिलती है यहाँ पे है ना आप यूज करते हो ना ऐप को तो प्रोफाइल देखने को मिलती है तो वहां पे आप एजुकेटर को हेट भी डेडिकेट कर सकते हो ये नहीं कह रहा हूं जो भी अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हो तो वहां पे आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये चीज है ये बहुत अच्छी लगी ठीक है खुशी मिलती है उससे यार ठीक मेहनत करने का और मन करता है आगे चलता हूं देखना शुरू करता हूँ तो पहलवान भाई नमस्ते मेरे को दिखाई देगा हाँ ममता आपने करा था थैंक यू बिल्कुल आपने करा था आज तो अब देखना शुरू करता हूं मैं किसको ये अर्धशुष्क मैदान को अब देखो अर्धशुष्क मैदान जो है ना वहां दिखाई देगा मैं बोलूंगा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में और पश्चिमी शुष्क मरुस्थल या पूर्वी शुष्क 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्वी भाग में ध्यान रहेगा पश्चिमी शुष्क मरुस्थल के पूर्व में और अरावली के पश्चिम में ठीक या मैं क्या बोल सकता हूं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में और 50 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिम में यह अर्ध क्षेत्र दिखाई देता है इसको हम चार भाग में बांटते हैं चार भाग कौन कौन सा दिखाई देगा सबसे पहले मैं बोलूंगा घग्गर प्रदेश घग्गर प्रदेश में क्या दिखाई देगा आप बोलोगे गंगानगर और हनुमानगढ़ घग्गर नदी का क्षेत्र है इसको नाली क्षेत्र भी बोला जाएगा ठीक है चालीस सेंटीमीटर किसका था डिम्पल चालीस सेंटीमीटर राजस्थान को जलवायु पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये सारी की सारी है ना अभी तो शुरुआत करिए जलवायु भी तो पढ़ाऊंगा राजस्थान में राजस्थान में मानसून भी तो पढ़ाऊंगा मैं राजस्थान में कोपेन थानवेट भी तो पढ़ाऊंगा मैं तिवार था भी पढ़ूंगा एक 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 चीज कॉन्सेप्ट पे करूंगा ऐसा नहीं है कि यार घास जाएगी तो देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ जो दिखाई देते हैं यहां से क्या दिखाई देती है एक नदी तो इसको बोलूंगा मैं घग्गर प्रदेश बोलता हूं अच्छा इसको क्या बोल सकते हैं हम उत्तरी क्षेत्र जो कि नहर के द्वारा क्या है आपका सिंचित उत्तरी शुष्क नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र बोल सकते हैं क्या इस क्षेत्र को हम बोल सकते हैं उत्तरी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र बोल सकते हैं क्या बिल्कुल बोल सकते हो आप इसको तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे क्या दिखाई देगा आपका सबसे पहले मैं देखना शुरू करता हूं घग्गर का मैदान तो ये दिखाई देता है क्या उत्तरी नहर के द्वारा सिंचित क्षेत्र दिखाई देगा उसके बाद में इनको पढ़ लेना ये जो बता रखे ना इनको पढ़ लेना नोट्स को उसके बाद में मैं नीचे आया नीचे दिखाई देता है मेरे को क्या झुंझुनू सीकर और चूरू इसको मैं क्या बोलूंगा शेखावाटी क्षेत्र या कातली नदी क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र या कातली नदी क्षेत्र बोलूंगा ठीक अब यहां पे एक चीज सुनना पिंकी नमस्ते अब पिंकी के कहती भाई दो गुरु जी तो जीवता रो जीवता रो तारो और क्या कहू तो यहाँ पे ये जो दिखाई देता है मेरे को यहां से एक नदी दिखाई देती है कातली सिक्कर से निकलती हुई आपकी झुंझुनू होती हुई चूरू के बॉर्डर तक तो देखो कातली नदी क्षेत्र जो है ना इसको क्या बोलते हैं हम आंतरिक प्रवाह क्षेत्र और क्या होगा आंतरिक प्रवाह क्षेत्र ठीक और एक चीज का ध्यान और रखना इसको बोला जाएगा कि आपका बंगर क्षेत्र बंगड़ नहीं रै ये बांगर ठीक है क्या कहा जाएगा बंगर यह वंगड़ यह वंगड़ क्षेत्र है रै है, है, और यह बंगर क्षेत्र अगर पूछ ले बांगर क्षेत्र के अंदर सम्मिलित जिले बताइए तो बांगर क्षेत्र के अंदर नागौर को जोड़ेंगे आप अगर पूछे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के जिले बताइए अर्धशुष्क मैदान के तो नागौर को निकाल देंगे आप समझ गए बांगड़ क्षेत्र अगर बोलता हूं तो उसके अंदर क्या क्या आता है सीकर झुंझुनू और नागौर और अगर मुझसे बांगड़ क्षेत्र पूछता है तो बोलता हूं सीकर झुंझुनू नागौर और अगर मुझसे पूछता है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र या कातली प्रवाह क्षेत्र तो मैं बोलता हूं सीकर झुंझुनू ठीक है सीकर झुंझुनू और चूरू का भी इसके अंदर कुछ क्षेत्र सम्मिलित कर लिया जाता है नागौर वाला क्षेत्र इसको बोलते हैं क्या नागौर उच्च भूमि तीसरा भौतिक प्रदेश और चौथा दिखाई देता है मेरे को कौन सा लूनी बेसिन क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान का शिष्ट क्षेत्र दिखाई देगा लूनी बेसिन क्षेत्र और इसको कहा जाता है गोडवार प्रदेश तो यह भी पूछ लिया जाता है गोडवार प्रदेश निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है मैं बोलूंगा लूनी बेसिन क्षेत्र को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्लियर है यहां तक यहां तक क्लियर है ये कहानी सर अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है तो मैं बोल सकता हूं चार भागों के अंदर बांटा जाता है अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना इस अर्धशुष्क मरुस्थल को किस नाम से जाना जाएगा कौन सी वनस्पति पाई जाती है अर्धशुष्क मरुस्थल में इसमें हम बोलते हैं स्टेपी कौन सी होगी ये स्टेपी होगी अर्धशुष्क वनस्पति सर स्टेपी ही क्यों होगी अर्धशुष्क वनस्पति तो सवाना भी होती है स्टेपी ही क्यों बोलूंगा मैं इसको बता पाएगा कोई आंसर अड़सुष तो सवाना भी होती है हम स्टेपी ही क्यों बोलेंगे देखो जरा इसको मैं क्लियर करता हूं ये जो दिखाई देता है ना अफ्रीका वाला क्षेत्र ये यहां सुडान में यहां पे दिखाई देगी एक वनस्पति इसको बोलते हैं सवाना सवाना घास के मैदान और यहां देखते हो यूरोप में इसको बोलते हैं स्टेपी एक माइनर संतर है सर ये जो सवाना क्षेत्र आ जाएगा यह आएगा किसमें आपका उष्ण कटिबंध के अंदर सवाना क्षेत्र किसमें आता है उष्ण कटिबंध के अंदर और स्टेप कटिबंध के अंदर राजस्थान का मरुस्थलीय भाग अगर आप देखना शुरू करते हो तो कर्क रेखा के ऊपर है सर शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है ना या उपोष्ण में आ रहा है ना उपोष्ण में आ रहा है तो मैं स्टेपी ही बोलूंगा इसको सवाना वर्ड इसके लिए यूज में नहीं कर सकता भूगोल के अनुसार ठीक है हाँ जी स्टेपी तुल्य बोल सकते हो अर्धशुष्क मतलब स्टेपी कौन सा क्षेत्र है जहां पे 50 सेंटीमीटर से आपकी कम वर्षा होती है ठीक है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको हम स्टेपी बोलते हैं अर्धशुष्क क्षेत्र को तो ये क्या दिखाई दिया मेरे को राजस्थान राज्य का क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपका क्लियर है यहां तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर बताओ जरा मेरे को कोई दिक्कत है इसमें चलो सर तो यहां पे आप देख लेना लूनी बेसिन तो लूनी बेसिन जो दिखाई देता है संपूर्ण शुष्क क्षेत्र है लूनी और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है यहाँ पे प्राचीन काप मिट्टी मिलती है संपूर्ण बेसिन का एक पैंतालीस प्रतिशत क्षेत्र रखता है बालोतरा तक ये नदी बताऊंगा तब मैं बता दूंगा कहां तक मीठी है स्टेपी तुल्य तो बोलते हैं सर जलोद्भिद है जलोद्भिद कैसे होगा यार जलोदभी गलत है डिम्पल नहीं जलोद्भिद उस वनस्पति को बोलते हैं जो जल में होती है मरोदभी वनस्पति पाई जाएगी यहाँ पे जलोद्भिद नहीं मरोदिद मरोद वनस्पति पाई जाएगी ठीक है शेखावाटी क्षेत्र में आपको कुछ कुएं मिलेंगे जिनको आप बोलोगे कच्चे पक्के कुएं झोड़नाड़ा के नाम से जाना जाता है चूरू एक ऐसा जिला है यहाँ पे कोई भी आपकी कोई नदी नहीं दिखाई देगी ठीक है और बालू का स्तूप के मध्य कुछ जल इकट्ठा हो जाता है नागौर उच्च भूमि का ध्यान रखना नागौर उच्च भूमि के अंदर आपको झील खारे पानी की दूसरा यहाँ पे एक चट्टान मिलेगी इसका नाम है माइका शिष्ट नागौर क्षेत्र में एक चट्टान मिलती है जिसका नाम है माइका शिष्ट और ये माइका शिष्ट क्या है आपकी नमकीन चट्टान है ठीक है ये नमकीन चट्टान देखने को मिलती है शिष्ट चट्टान तो ये पूछ लेता है और ध्यान रखना इसी क्षेत्र में नागौर और अजमेर को क्या कहा जाएगा बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाएगा ये नागौर अजमेर जो है बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी क्यों क्योंकि यहाँ के पानी में फ्लोराइड ज्यादा होगा और फ्लोराइड की वजह से यहाँ पे लोगों को क्या हो जाएगा फ्लोरोसिस के नाम की बीमारी हो जाएगी हड्डी में बंकन आना हड्डी में मोड़ पड़ जाना ये समस्या यहाँ देखने को मिलती है तो ये पूरा यहाँ तक का क्लियर है क्या शुष्को और शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश क्लियर है क्या शुष्क को दो भागों में बांट रहे हैं हम अर्धशुष्क हमने चार भागों में बांटा चार दो तो छह हो गए तीन अरावली में हो जाएगा आपका ठीक फिर पूर्वी मैदान देखेंगे और हाड़ोती का पठार देखेंगे तो इसको हम क्या देखेंगे अब कल देखते हैं अरावली को कल देखते हैं हम किसको अरावली को देखते हैं तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है यार तो आप क्या कर सकते हो जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनको आप शेयर करो उनको बताओ कि भैया कोई मास्टर जी हैं जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं राजस्थान का और फ्री में ज्ञान दे रहे हैं अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो और उसके अलावा आपको पीपीटी जो है वो यहाँ पे मिलेंगी मिलेंगी सर मुझे दो बजे वाली क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया था वो रैंडमली मैंने करी थी ना इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आया होगा नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे प्रोफाइल पे आके फॉलो कर लो मेरे को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे बाकी कोई भी अगर क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो ये जो क्लास है मेरा ये आपका ये कोड जो है तुषार लाइव ये आप यूज कर सकते हैं ठीक है उसका रेंडमली आया नहीं होगा डिम्पल नोटिफिकेशन आ जाते हैं शाम वाली का तो आ जाता है है रिया पवन एंड एंड शोभा रवि क्लास खत्म हो चुकी है सर क्लास जो है वो आप एंड पे आए हैं बिल्कुल लास्ट टाइम पे आए हैं क्लास के है ना क्लास अब खत्म हो चुकी है रिया पवन एंड शोभा कल शाम को पांच बजे से आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान का भूगोल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपका आ, हिमाद्री थैंक यू सर हमने लेने आया है चलो हम लेने आए हैं चलो आ, क्या कह रहे हो मेरा कमेंट र, राजेश राजेश आपका कमेंट क्या दिखाई देता है दो हाथ गिफ्ट करूंगा मैं आपको ठंड बहुत है तो दो हैट गिफ्ट करूंगा मैं आपको ठंड बहुत है तो हाँ यार ठंड है बिल्कुल करो यार चाहिए ठीक <laughs> हम लेने आए हैं ओके चलो ठीक है आपको लेने आएंगे फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के अंदर तो ये जो फ्री क्लासेस का जो सेशन है चलता रहेगा दिसंबर में डेली पांच बजे में आपको यहाँ पे मिलूंगा आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस ठीक कंटिन्यू इसको कर सकते हैं और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के अंदर कल शाम को पांच बजे बाकी आप एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो आरंभ आर पी एस सी यूट्यूब चैनल है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे मैं अपनी फ्री क्लासेस देता हूँ क्वेश्चन के तो तब तो तक के लिए थैंक यू गुड बाय एंड गुड डे